Конечно. Half century. Half century. Century. नाट बिट्टी ने बोला बोल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के ग्रुप ई के मुकाबले में जहां पर गोवा और मुंबई आमने सामने थे और ये मैच जो है वो सुबह 11 बजे शुरू हुआ और ये मैच हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में खेला जा रहा था, जहां पर गोवा टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और वही जो फैसला है वो गलत साबित हो गया, क्योंकि जो मुंबई की टीम थी वहां पर मुंबई की टीम ने आतंक मचा दिया था। पृथ्वी शॉ अंगक्रिश रघुवंशी ने ओपनिंग की, जहां पर पृथ्वी शॉ ने भी 150 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ पारी खेली और उसके बाद तो भैया जब नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर उतरे तो वो आउट होकर नहीं नॉट आउट होकर लौटे। 57 गेंदों में 130 रन, 11 चौके और 10 छक्के, 228 का स्ट्राइक रेट, भाई ने ना आग लगा दी। और गोवा की जो गेंदबाजी थी जिसमें अर्जुन तेंदुलकर भी थे, उनको तो 4 ओवर में 48 रन ठोके थे और श्रेयस अय्यर की जो बल्लेबाजी थी कमाल की बल्लेबाजी थी, जैसा अभी आपने वीडियो भी देखा किस तरह से उन्होंने 50 किया, फिर उसके बाद 100 किया और 100 करने के बाद भी वो रुके नहीं, 130 रन मारे, नाबाद मारे, 57 गेंदों पे मारे, 11 चौके और भाई ने 10 छक्के भी लगा दिए भाई। और मजे की बात यह है कि आज जब उन्होंने ये पारी खेली उसके अगले ही दिन सुपर संडे है, क्योंकि उस दिन 24 तारीख को आईपीएल 2025 से पहले वाला ऑक्शन होने वाला है, मेगा ऑक्शन, जहां पर श्रेयस अय्यर भी ऑक्शन के मैदान में रहेंगे, क्योंकि केकेआर ने उन्हें इस बार रिटेन नहीं किया तो श्रेयस अय्यर भी ऑक्शन में है। और इस तरह की पारी से उनका जो कह सकते हैं कीमत जो है ना, उसमें कम से कम 1 या 2 करोड़ रुपए का और इजाफा हो जाएगा, जिस तरह से उन्होंने आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पारी खेली, मुंबई को मैच जितवाने वाली पारी खेली। क्योंकि अगर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने 130 रन बनाए और मुंबई जो है ना वो 26 रन से मैच जीती है, यानी कि जो श्रेयस अय्यर के एक्स्ट्रा 30 रन थे ना वो कहीं ना कहीं काम आ गए मुंबई के, जिसके चलते मुंबई ने गोवा को 26 रनों से मैच हरा दिया। हालांकि गोवा ने भी जो है ना बड़ी कह सकते हैं कि अच्छी बल्लेबाजी की, ऐसा नहीं कि खराब बल्लेबाजी की, ईशान गाडेकर उसके बाद सुयश प्रभुदेसाई ने अच्छी बल्लेबाजी की, विकास कन्वर सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, बट स्कोर जो था ना वो बहुत ज़्यादा था, 251 रन का टारगेट चेस करना था जहां पे गोवा 224 तक पहुंच पाई, बट जो क्रेडिट जाता है ना वो जाता है श्रेयस अय्यर को, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने वहां पर तूफानी शतक मारा और शतक मारने के बाद भी भाई रुका नहीं और उसके बाद नाबाद लौटा, अपनी टीम को जिताकर लौटा और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की 10 छक्के लगाए भाई, तो आईपीएल ऑक्शन में अब श्रेयस अय्यर की जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और अब कहीं ना कहीं केकेआर भी इस बारे में रिग्रेट करेगी कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया और श्रेयस अय्यर को जाने दिया, क्योंकि केकेआर श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन उतना ज़्यादा, एज अ बैटर उतना ज़्यादा नहीं मान रही थी, बट श्रेयस अय्यर ने ये बता दिया कि मेरे अंदर अभी भी वो T20 क्रिकेट वाली जो भूख है ना वो बची हुई है और अब श्रेयस अय्यर जब ऑक्शन में आएंगे तो और मज़ा आने वाला है, क्योंकि टीमों के बीच और ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि उनको एक इंडियन बैटर मिलेगा, इंडियन कैप्टन भी मिलेगा और फ्यूचर भी मिल जाएगा।